में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी सैमसंग का कोई भी सेट है और उसमें वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है और वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसी का हम आपको आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल जब करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं, मोबाइल का कोई अपडेट आया है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट अपडेट, तो यहाँ पे हमें कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर हम अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल में कोई अपडेट देखने को मिल रहा है तो आप इसे अपडेट कर देंगे। इसके बाद आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करना है। फिर से हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको देखना है जनरल मैनेजमेंट। तो हमारी यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट मिल जाती हैं। जनरल मैनेजमेंट मिलने के बाद इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं रीसेट। तो रीसेट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो रीसेट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मिलती हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो देखिए, जैसे आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रहे कि अगर आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग करते हैं तो इसमें से आपकी कोई भी डाटा लॉस नहीं होगी, इससे कोई भी डाटा आपकी जाएगी नहीं। जैसे कि इससे आपका क्या होगा कि आपका वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ रीसेट हो जाएगा। तो जैसे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका जो भी पिन मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा वो आप यहाँ पे इंटर करके रीसेट नेटवर्क कर देंगे। इसके बाद आपकी जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट होंगी, इसके बाद किसी तरह की कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो हम आपको कनेक्ट करके भी बताएंगे, लेकिन कनेक्ट करने से पहले आपसे एक और आपको हम बता देते हैं कि आपको और क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे अपने वाईफाई को, अपने मोबाइल के वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो कुछ सर्चिंग लेगा और यहाँ पे आपका वाईफाई बड़ी ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।